नमस्ते दोस्तों, दिलीप दौड़ा फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित है एनएससी पे लिस्टिंग के लिए आ रहे एसएमई आईपीओ डायनामिक सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के लिए चर्चा करने के लिए। ये जो कंपनी है वो जेके भगत ग्रुप की शायद फ्लैगशिप कंपनी है और ये कंपनी मैकेनिक सेक्टर के लिए मैन पावर सप्लाई करने में व्यस्त है, लेकिन साथ ही साथ ये कंपनी कैटरिंग में भी व्यस्त है और लॉजिस्टिक्स में भी थोड़ा बहुत काम कर रही है। तो यहाँ पे मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये कंपनी की दूसरी ग्रुप कंपनी जो है डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स, उसका ये कंपनी ने इश्यू क्यों लाया, क्योंकि ये कंपनी अगर लॉजिस्टिक्स में है तो उस कंपनी को इसमें मर्ज करने के बाद अगर लाते तो शायद बेहतर होता। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि कंपनी में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। दूसरी बात अगर कहे तो पिछले 3 वित्तीय वर्षों के बारे में, उसके कारोबार के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 के लिए कंपनी ने औसतन 45 लाख के कारोबार पर 11,000 रुपये के करीब करीब नेट प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन FY21 के लिए यानी वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कंपनी ने 7 करोड़ 10 लाख के कारोबार पर 1 करोड़ 4 लाख का प्रॉफिट दिखाया है, जो मानने में आने वाली बाबत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021 ये पेंडेमिक ईयर रहा है जिसमें औसतन आधे साल से भी ज़्यादा समय तक कई सारी स्थितियाँ स्टैंडस्टिल पे आ गई थी। तो इस कंपनी में इस वित्तीय वर्ष में इतना अच्छा कारोबार कैसे किया, वो एक शंका जताने वाली बात हो रही है। तीसरी बात, यानी कंपनी ने जो अपने इस आईपीओ के लिए जो करीब करीब 24 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है मार्केट से, 51 रुपये प्रति शेयर का भाव रखा है और आपको मिनिमम 2000 शेयर या तो उसके गुणोत्तर में अर्जी करनी है। तो इस 51 रुपये के भाव को हम अगर उसके उत्कृष्ट परिणाम अब तक के जो है 2021 के वित्तीय वर्ष के लिए उसके साथ अगर तुलना करते हैं तो भी ये जो भाव है वो करीब करीब 66 के पी पे होने से ये इश्यू काफ़ी महंगा है। तो मैं तो ये इश्यू भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर भी अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा विचारणा करने के बाद ही अंतिम निर्णय लीजिएगा, ये मेरी आपसे विनती है, क्योंकि पैसे जरूर आपके हैं लेकिन मर्जी भी आपकी होनी चाहिए। अब आप